गुड मॉर्निंग क्लास, मैं सीमा माथुर आज आपको क्लास टेंथ मैथ्स करा रही हूँ एक्सरसाइज 1.2। तो एक्सरसाइज 1.2 का पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे बेटा। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं करा रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे है, एक्सप्रेस इच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। यानी कि आपने जो हमें डिजिट्स दी गई हैं उनके क्या बताने हैं, प्राइम फैक्टर्स बताने हैं। वो कैसे बताएंगे, आप देखिए आपकी स्क्रीन पे आ रही है नोटबुक। ओके, जैसे कि हमसे इन्होंने पूछा है बेटा 140 का, ठीक है। तो 140 का बता देते हैं पहले क्या होगा। 140 को अब किससे करते हैं, सबसे पहले सबसे स्मॉलेस्ट संख्या होती है। ओके जी, तो सबसे पहले किससे करेंगे, 2 से करेंगे, 2 से 7 0। ओके जी, फिर 2 से जा सकता है 2 2 3 जा 2 5 जा। ओके जी, फिर किस से जा सकता है, 5 से 5 7 जा। फिर किस से जाएगा, 7 से 7 1 जा। तो इस प्रकार से ये क्या हो गए हमारे प्राइम फैक्टर। तो 140 के प्राइम फैक्टर क्या होते हैं बेटा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। अगर इसको शॉर्ट में लिखना चाहें तो एक तरीके से ऐसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। ठीक है बेटा, इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसी प्रकार से 156 के हो जाएंगे, कैसे होंगे, करो बेटा 2 के टेबल से लो, 2 7 जा 2 8 जा। फिर देखो पीछे 8 है तो 2 से ही जाएगा, 2 3 जा 2 9 जा। अब किस से जाएगा, 3 से 3 1 3 3 जा। अब 13 तो किसके टेबल में आता है, 13 1 जा 13। इसी प्रकार से इसके हो जाएंगे 156 के क्या हो जाएंगे बेटे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। यानी कि इसको शॉर्ट में लिखना चाहे तो 2 की पावर 2, यानी कि दो बार रिपीट हो रही है वो डिजिट हमारे पास होती है 3 और 13। ओके जी, इसी प्रकार से क्या है, 3825, यानी कि 3825 का करेंगे। ओके जी, इसका कर देते हैं। अब पीछे देखो बेटा 5 होता है, या तो वो 3 से जाता है या फिर किस से जाता है, 5 से जाता है। अब पहले 3 से करके देखते हैं, तो 3 1 जा 3 2 जा 3 7 जा हो जाएगा और 3 5 जा। ओके जी, फिर किस से जा सकता है, देखो 3 से ही चला जाएगा, 3 4 जा 3 2 जा 3 5 जा। फिर किस से जा रहा, 3 से तो नहीं जाएगा, अब किस से जाएगा, 5 से जाएगा, देखो 3 8 जा 5 जा। ओके जी, अब किस से जाएगा, फिर दोबारा से 5 से देखते हैं, 5 1 जा 5 7 जा 17 1 जा 17। ओके जी, तो हमारे जो 3825 के प्राइम फैक्टर क्या हुए हैं बेटा, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। ओके जी, अब इसको शॉर्ट में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई 17। ओके जी, इसी प्रकार से इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 पार्ट, 5005, यानी कि 5005। इसका कर लेते हैं बेटा। अब देखो ये 3 से तो जाएगा नहीं, क्योंकि बीच में क्या आ रही है हमारे पास, 0 आ रही है, तो 5 से ही जाएगा, 5 1 जा 0 0 5 1 जा। अब किस से जा सकता है, या तो देखो 3 के टेबल ये 7 या इन्हीं टेबल से जाएगा, तो 3 से नहीं होगा, तो 7 से करके देखते हैं। देखो 7 1 जा 7 4 और 7 3 जा 21। ठीक है, आगे करते हैं, आगे किस से जाएगा, फिर 11 से जा सकता है, देखो 11 1 जा 11 3 जा। आप देखो 13 1 जा 13। तो 5005 के क्या हो गए फैक्टराइजेशन, 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13। ओके जी बेटा, सभी बच्चे ध्यान से देखें। ओके, अब इसका फर्स्ट का एक पार्ट रह गया है 5 7 4 2 9, ये आपने स्वयं करना है। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बेटा, ध्यान से देखो। देखो, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई द एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। यानी कि जो हमारा एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीपल होगा ना, जो मल्टीप्लाई उन दोनों डिजिट्स को करेंगे, वो क्या आना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। जो हमें जो भी टू प्रोडक्ट्स के दो नंबर दिए गए हैं, जैसे 2691 दे रखा है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो, और जो एलसीएम एचसीएफ को मल्टीप्लाई करेंगे, वो दोनों क्या होने चाहिए बेटा, इक्वल होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं, ये देखिए स्क्रीन पे।
अब सबसे पहले क्या लेते हैं बेटा, इनका क्या लेंगे, 26 का और 91 का क्या लेंगे बेटा, एलसीएम ले लेते हैं। ये लो जी, अब ये किससे जाएगा, 2, 3, 13 ये किससे जाएगा, देखो 7 से चला जाएगा, 7 और 3 फिर 13 किससे जाता बेटा, 13 ठीक है। अब इससे आगे क्या होता है, यानी कि 26 और 91 क्या क्या आ गए बेटा इन दोनों के, देखो इसका क्या आया 2 × 13 और इसका क्या आया 7 × 13 ठीक है जी। अब इसमें एलसीएम और एचसीएफ बताना हमें, तो एलसीएम होता है बेटा लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, और एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को, एलसीएम और एचसीएफ की फुल फॉर्म है जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, फुल फॉर्म नहीं लिख के। तो पहले एलसीएम फिर एचसीएफ। अब एक बात और मैं समझा दूँ, एलसीएम में सभी मल्टीपल्स होते हैं, सभी डिजिट का मल्टीपल किया जाता है, एचसीएफ में जो दो इंटीजर्स हैं उन दोनों में जो कॉमन नंबर होंगे बेटा वही क्या होता है, एचसीएफ होता है, ठीक है। ओके जी, एलसीएम कर लेते हैं। अब एलसीएम क्या हो जाएगा, देखो 2 × 7 × 13 किस में है, दोनों में है, कॉमन निकलेगा तो कितना आ जाएगा टोटल 182। और एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ देखो दोनों में क्या है कॉमन, 13 है, 2 और 7 तो है नहीं, तो हमारा एचसीएफ क्या हो गया 13। ओके जी बेटा, तो अब इससे आगे बढ़ते हैं, इसमें इन्होंने पूछा था हमसे, ये देखो एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएम एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ओके जी, ये कर देते हैं हम, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ओके जी, ये इस प्रकार से हो गया। अब हमारा एलसीएम क्या है, एचसीएफ क्या है, देखो एलसीएम क्या आया था 182 मल्टीप्लाई 13 हो जाएगा, और वो दोनों क्या हैं, वो दोनों क्या थी बेटा, देखो 26 हमारी फर्स्ट थी और सेकंड क्या थी 91, यानी कि इनका मल्टीपल और इनका मल्टीपल दोनों को क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए, सेम आना चाहिए, बिल्कुल सिमिलर होना चाहिए, ठीक है। अब 182 को 13 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटा आ जाएगा 2, 3, 6, 6 और 26 को 91 से करते हैं तो भी क्या आएगा 2, 3, 6, 6 यानी कि दोनों क्या है बेटा सेम है, बिल्कुल क्या है दोनों इक्वल है, ठीक है बेटा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन करना, आपने इसमें एलसीएम बताना, एचसीएफ बताना और फिर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स बताने हैं, ठीक है बेटा। इस प्रकार से होगा, इसके सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट आप खुद करेंगे। ये देखिए बिल्कुल स्क्रीन पे एकदम क्लियर है। अब इसका क्वेश्चन नंबर हम थर्ड देखते हैं। ओके जी, क्वेश्चन नंबर थर्ड ये देखिए, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाई अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। किससे करना, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही करना है, वही एलसीएम और एचसीएफ हमने क्या करना है बेटा इसमें भी बताना है, ठीक है। ओके, तो इसका फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारे पास 12, 15 और 21। ओके जी, ये ले लेते हैं थर्ड क्वेश्चन का। तो इसमें भी क्या करना है हमने, देखो वही सेम क्या करेंगे, सबसे पहले 12 का, 15 का, 21 का, ठीक है। एक सेकेंड, ये देखिए इसका निकाल लेंगे, इसका और इसका, 2 से करते हैं, 2 × 6 = 2, 3 = ओके जी, 3 × 1 = 3। अब ये किससे जाएगा, 3 × 3 = 5 × 5 = 5 ये किससे जाएगा, 3 × 7 = 7 × 7 ये हमने क्या कर दिया, इनके प्राइम फैक्टराइजेशन बेटा हमने कर दिए। अब इन तीनों डिजिट्स को लिख लो, क्या क्या थी, 12, 15, 21 ठीक है बेटा। इस प्रकार से इनके सामने लिखो क्या क्या आई हमारी डिजिट्स, इसकी क्या आई है 2 × 2 × 3, इसकी क्या आई 3 × 5 और लास्ट की है 3 × 7 ठीक है।
अब इन तीनों में से हमने एलसीएम और एचसीएफ बताना है। ये लो बेटा एलसीएम, ये हमारा एचसीएफ। एचसीएफ मैंने बताया जो दो इंटीग्रर्स हो या तीनों कोई भी जितनी भी जो हमारे पास डिजिट होती हैं जिनका फैक्टराइजेशन करते हैं उनमें जो कॉमन होगा वो एचसीएफ होगा। एचसीएफ कॉमन क्या हो जाएगा, देखो इसमें टू है, इसमें टू नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें थ्री है, इसमें भी है, इसमें भी, तो थ्री जो हमारा क्या होगा एचसीएफ। बचे क्या हमारे पास, देखो अब जो बची हुई संख्या ये देखो टू, टू इनमें नहीं है, थ्री इनमें है, इनमें भी है, कॉमन आ गया, और फाइव और सेवन, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, टू टू ज़ा फोर, फोर थ्री ज़ा ट्वेल्व, ट्वेल्व फाइव ज़ा सिक्सटी, सिक्सटी सेवन ज़ा फोर टू ज़ीरो। ओके जी, ये हमारा क्या आ गया एलसीएम और एचसीएफ आ गया। ठीक है बेटा, अब इससे हम अगला क्वेश्चन नंबर किस पे जाएंगे, फोर पे चलेंगे। थ्री के सेकेंड और थर्ड पार्ट है वो आप खुद कीजिएगा ऐसे ही बिल्कुल सेम। अब मैं फोर नंबर क्वेश्चन करा देती हूँ। देखो गिवन द एचसीएफ 306.657 का क्या है 9 है, ठीक है, और एलसीएम क्या दे रखा है इनका वो हमने फाइंड करना। ओके बेटा, फोर क्वेश्चन में क्या करना हमने फाइंड करना, तो वेरी इजी, बिल्कुल इजी है। ये देखो अभी कर देते हैं, क्या है हमारे पास क्वेश्चन, मान लो हमारे पास बेटा ये है फर्स्ट, क्या है हमारे पास, मान लो फर्स्ट है हमारे पास 306, ठीक है बेटा, और सेकंड क्या है हमारे पास, सेकंड क्या है 657, ठीक है बेटा ये दे रखा है। मान लो एचसीएफ हमें दे रखा है 9 इनका, ठीक है, और सेकंड क्या करना है, एलसीएम क्या करना है हमने फाइंड करना है, तो क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। ठीक है, अब हमें फॉर्मूला हम मैंने पहले भी कराया आपको, क्या हो जाएगा एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ओके जी, ये हो गया। अब एलसीएम एचसीएफ देख लेते हैं हम क्या होगा बेटा। ठीक है, तो एलसीएम हमारे पास है नहीं, ऐसे का ऐसा रहेगा। एचसीएफ क्या है हमारे पास 9 है बेटा, और प्रोडक्ट ऑफ, अब इन दोनों के प्रोडक्ट करने हमने, तो 306 मल्टीप्लाई 657 ये थी, हो गया इतना। आगे बेटा एलसीएम तो यहीं रह जाएगा और जो 9 है वो उनके इक्वल टू में चला जाएगा, पॉन में चला जाएगा, ये आ गया 9, काटो 9 वन जे 9, 9 थ्री ज़ा 9 फोर ज़ा, ओके जी ये कट गया। अब क्या आ गया 34 मल्टीप्लाई 657, यानी कि इनको मल्टीपल करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बेटा, ये देखो मल्टीप्लाई करेंगे 22338, ये आ जाएगा हमारा, ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा। ओके जी, यानी कि इनका क्या है जो हमने फाइंड करना था एलसीएम वो क्या है 22338, यानी कि 22338 हमारा क्या आ जाएगा बेटा एलसीएम। ओके जी, इससे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इससे आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो बेटा अब मैं आपको कराती हूँ सिक्स नंबर। देखो सिक्स नंबर इजी है वैसे एक्सप्लेन करना है वाई, जैसे कि हमें एक इक्वेशन दे रखी है 7 × 11 × 13 × + 13, ठीक है, और एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5, और क्या दे रखा है कंपोजिट नंबर दे रखे। करो बेटा कोई बात नहीं, बहुत इजी है, देखो वेरी इजी, अब कर देते हैं हम। देखो इसमें क्या ले सकते हैं हम बेटा, इसमें देखो 13 कॉमन ले सकते हैं अगर इसको करना चाहे तो क्या बच जाएगा 7 × 11 और प्लस है 1, ठीक है बेटा, ऐसे ही उस प्रक्रिया को साथ में ही लेके चलते हैं हम। इसमें क्या कॉमन आ सकता है 5 आ सकता है, ये लो बचा क्या हमारे पास 4, 3, 2, 1 + 1। ओके जी,
ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब दोनों को सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं 13 7 11 को करेंगे 77 1 कितना हो जाएगा, यानी कि 77 + 1 इक्वेशन बन रही है बेटा। आगे उसको देखो क्या इक्वेशन बन जाएगी, ये 7 6 इनको कंटिन्यू मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन बन जाएगी हमारी 1008 + 1। ओके जी, आगे इक्वेशन देखते हैं 13, अब ये कितना हो गया मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा बेटा 78, एंड ये कितना हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 1009। करो बेटा मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1014, एंड इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा 5045। ओके जी, इतना है, ये आपका हमने करा दिया 6 क्वेश्चन। ओके जी, दोनों को क्या करना था, वेरीफाई करना था। अब चलते हैं हम किस पे, 7 नंबर क्वेश्चन पे, 7 को सॉल्व करेंगे। ओके जी, 7 नंबर भी बहुत इजी है, ये देखें आप। देर इज अ सर्कुलर पथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, वाइल द्रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, सपोज द बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड द सेम टाइम एंड गो द सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। यानी कि बेटा उसमें कहना चाह रहा है कि एक क्या है सोनिया है और एक लड़का क्या है रवि है, दोनों क्या करते हैं जैसे कि ये सर्कल होता है, ठीक है जी बेटा देख पा रहे हैं ये है, ठीक है ये यहाँ ये पॉइंट है, ये क्या है सोनिया है, ये रवि है, और सेम डायरेक्शन में जाते हैं, इस पॉइंट से वो सेम डायरेक्शन में जाना स्टार्ट करते हैं तो सेम टाइम पे जाएंगे, लेकिन पहुंचते हैं वो जब चक्कर ख़त्म होता है तो एक को कितना टाइम लगता है 18 मिनट, एक को कितनी लगती है 12 मिनट। अब ये देखें ध्यान से, सोनिया, ओके जी पहले सोनिया हमारे पास, सोनिया टेक्स कितनी है 18 मिनट और रवि टेक्स 12 मिनट। ओके जी, अब ये बताएं कि दोनों कब मिलेंगे, शायद उस बिंदु पे, दे मीट आफ्टर, तो एलसीएम कर लेंगे बेटा, एलसीएम किनका करेंगे 18 का और 12 का, तभी पता चलेगा आफ्टर कब मीटिंग होगी। अब एलसीएम देखो मैं बार बार, क्योंकि आप बड़े बच्चे हो 10th क्लास के बच्चे हो तो कराने की ज़रूरत नहीं है, वेरी सिंपल। अब एलसीएम किनका है 18 और 12 का, सीधा कर देती हूँ मैं, ठीक है अगर चाहें तो आप ऐसे कर सकते हैं, वैसे समझ नहीं आ रहा कि 18 का क्या आएगा और 12 का क्या आएगा, ये देखना 2 × 3 × 3 ये तो किसका हो गया 18 का, 12 का क्या हो जाएगा 2 × 2 × 3, आप चाहे तो सॉल्व करके विषय से देख लें, ठीक है बेटा। अब एलसीएम इनका क्या आया बेटा 2 की पावर, देखो उनमें से क्या लेंगे 2 की पावर और एक क्या हो जाएगी 3 की पावर, ये देखो 2 की पावर और एक 3 की पावर, ठीक है तो क्या हो जाएगा, यानी कि 2 × 2 = 4 और 3 × 3 = 9, यानी कि किस पे करेंगे 38 मिनट, ठीक है बेटा ये है टोटल। ओके जी, तो ये आपकी एक्सरसाइज आज फिनिश होती है 1.2। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक्सरसाइज 1.3 कराऊंगी। ओके, तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है, बाय।